में बाद में बात करेंगे। यही बातें बहन जी, तीन दफा नहीं पांच मीटिंग होगी इंडिया में इतने किसानों के आगे। जो पहला कानून है आपका, वो कानून है कितना मर्जी स्टोर करो। दूसरा कानून है आपका एग्रीमेंट फार्मिंग, सुन रहे हैं उसके बाद आप। तीसरा मेरी भी बात सुन लो ना बहन जी को, बाद में। तीसरा तीन कानून है, जो तीनों कानून किसानों ने ये कह दिया है कि हमको ये मंजूर नहीं है। बहन जी आपके कानूनों जो किसानों को लिए आपने दिए हैं, जो आपने कानूनों को किसानों को लिए वो लेना नहीं चाहते, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात, जो एक किसान के पास एक एकड़ एकड़ दो एकड़ जमीन है उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, ये कहां की समझदारी है। एक और जो पराली जलाने का कितने साल से चल रहा है, उनको पैसा तो कोई देते नहीं किसानों को, उस पराली को उसको खत्म करने के लिए मिट्टी के लिए मशीन को या आप नहीं देते किसानों के लिए। और वो जो पराली है उसका 1 करोड़ बना दिया। दूसरा आपका जो भी कानून है आप अपने बिजली का कानून बना दिया, ऑडियंस पेश कर दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारी नहीं, जो दो लाख से बाद 3 लाख जो किसान उधर बैठे हुए हैं उनको गुमराह मत करो, क्योंकि आपकी सरकार गुमराह हो चुकी है अडानियों अवानियों से, और जो हमारे लोग हैं वो गुमराह नहीं हुए। आपने एक बार कहा ये सारे खालिस्तानी आ गए, दूसरी बार कहा ये पाकिस्तान के आ गए, तीसरी बार कहा ये चीन के आ गए। एक बार आपने ये कहा, मैं आपको यही बताता हूँ, आप मुझे बोलने तो दीजिए, बोलने देते हैं हमारी ये जो बात है ना, ये बात उधर पहुंचाओ, वो उधर कोई खालिस्तानी नहीं, कोई मुश्किल जवाब कोई दूसरा नहीं सोल्व कर सकता पिछे, खुद सोल्व कर सकते। चार चीजा का इलाज दूजिया को नहीं होंगे, वो अपने अंदरों आ जाते हैं। आप बोल रहे थे ना भी जे कहां भी कोई भी मार्केट में बेच सकता है, ठीक है। ये 1975 में हुआ था, मेरा 60 का जन्म है, मैं उस टाइम बड़ा सर था, ठीक है। उस टाइम हमारे कोई भी कणक जो है ना जो पंजाब में पैदा होती थी उसको 5 किलो कणक भी हम बाहर ले स्टेट में नहीं बेच सकते थे। इसलिए हमारे किसान यूनियन के नेताओं ने, उसमें राज्यपाल भी था, बारे सारे थे, जो हिमाचल का बॉर्डर है उसके ऊपर जाके कणक बेचने के लिए 4 किलो कणक सिर पे रह के हिमाचल में बेचने जाते थे। उसके बाद उनके ऊपर 400 किसानों के ऊपर केस बने, और उसके बाद उनको जेल में भी रखा गया। उसके बाद ये कानून पास हो गया भी तुम कहां मर्जी बेचो। अब क्या
अपने कश्मीर का सेब, हिमाचल का सेब दिल्ली में नहीं बिकता, क्या क्या पंजाब की साजिश, जो न मेरी बात पहले जो आपने कहा, आप मुझे बताइए कानून में प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम यही है मैडम, मेरी बात सुनो, एमएसपी कहाँ खत्म किया है? नहीं नहीं लिखा था, डी भी कहाँ कहाँ है आपने? एक मिनट मैडम जी, मैडम जी आप अच्छा